इस वक्त हम मौजूद हैं नवाई सुबू में, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेजिस्लेटिव जो कामयाब हुए हैं, जो उम्मीदवार जिन्होंने जीता है, उनकी यहां पर एक मीटिंग मुनक्कद हो रही है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो नवाई सुबू में करीबन 12:30 बजे जो है एक मीटिंग जो है लेजिस्लेटिव मीटिंग जो है यहाँ पर इनेकाद की जा रही है, जिसमें शायद कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो है मोहर लगाई जाएगी। आपको मैं बता दूँ, पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बताया है, उन्होंने बताया था कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इन 5 सालों के लिए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो नाम बताया था वो उन्होंने उमर अब्दुल्ला का बताया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि लेजिस्लेटिव मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि जो लेजिस्लेटिव मीटिंग में जो तय पाया जाएगा उसके बाद ही चीफ मिनिस्टर का ऐलान किया जाएगा। आपको मैं बता दूँ, नवाई सुबू में इस वक्त हम मौजूद है, लेकिन नवाई सुबू के दफ्तर के अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो सिक्योरिटी के अरकान हैं, उनका कहना है कि हमें पहले ही बताया गया है कि मीडिया को अंदर ना छोड़ा जाए। जो मीटिंग है वो अभी करीबन 12:30 बजे यहाँ पर स्टार्ट होगी। आपको मैं बता दूँ, इस वक्त 2 दिन के दौरे पर HD देवेगौड़ा भी यहाँ श्रीनगर पहुँच चुके हैं। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, मैं आपको बता दूँ, और इस वक्त हम जब गुफकार रोड पर थे तो वहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो बाहर निकलते हुए नज़र आए, लेकिन नवाई सुबू में अभी वो मौजूद नहीं है। बाकी दूसरे जो लीडर है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो मीटिंग यहाँ पर तय होगी। सोर्सेज के हवाले से मैं बता दूँ, बताया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे और उसके साथ साथ इस कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। कांग्रेस को एक कैबिनेट मिनिस्ट्री पोस्ट दिया जाएगा, या तो GA मीर होंगे या तारिक हमीद करा होंगे। और उसके बाद बताया जाता, सोर्सेज के हवाले से ये पता चला है कि जो स्पीकर होंगे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही होंगे। बाकी जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होंगे उनमें खासतौर जो सोर्सेज के हवाले से पता चला है, नए चेहरों को जो है इंक्लूड किया जाएगा। इस वक्त हम नवाई सुबू से आपसे बराह रास्त जुड़ चुके हैं, जहां पर लेजिस्लेटिव जो मीटिंग है अभी होने वाली है, करीबन 12:30 बजे वो मीटिंग होने वाली है, जिसमें सारे जो लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि किसके नाम पर CM की मोहर जो वो लगाएंगे। और अलायंस की जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं सोर्स के हवाले से ये पता चला है वो मीटिंग जो है कल इसी जगह पर, वो कल यहीं पर वो मीटिंग भी होगी। अलायंस की जो मीटिंग है वो आज नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो मीटिंग यहाँ पर है। सारे लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है वो नवाई सुबू में आएंगे और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर किसके नाम पर जो है वो मोहर लगाई जाएगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि बताया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर जो है कांग्रेस के जो है दो होंगे, या तो GA मीर होंगे या तो तारिक हमीद करा होंगे। और बताया जाता है सोर्स के हवाले से जो स्पीकर का पोस्ट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया जाएगा, और जो दूसरे जो अलायंस में दूसरे पार्टनर्स है अभी उनकी कोई भी बात सामने नहीं आई है। इस वक्त हम मौजूद है नवाई सुबू में, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग है वो यहां पर होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मीडिया को अंदर जाने की जो इजाज़त अभी तक नहीं मिली है। मैं मोहम्मद हनीफ खान, श्रीनगर, नवाई सुबू।